उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जाने की खबरों ने बीते 24 घंटों से सुर्खियां बटोरी हुई है और राजनीतिक हलकों में इस खबर को लेकर काफी ज्यादा सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अभी कोई भी पक्ष पुष्ट तौर पर यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि गठबंधन फाइनल हो गया है, लेकिन इन खबरों को पुख्ता तौर पर हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी की बातचीत हुई है गठबंधन को लेकर, और ये बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ भी चुकी है। गठबंधन पर माना जा रहा है कि कल मोहर लग जाएगी, लेकिन आखिरकार जयंत चौधरी को क्यों गठबंधन तोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है और क्या वाकई गठबंधन टूट रहा है या अभी और खेल होना बाकी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी का गठबंधन क्या फाइनल हो गया है या अभी इसमें भी गुंजाइश है, ये भी गठबंधन बन या टूट सकता है, उस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गठबंधन टूट क्यों रहा है। जो खबरें आ रही है वो बता रही है कि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने भले ही गठबंधन में 7 सीटें देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन 7 सीटों में 5 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव आरएलडी के सिंबल पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। इनमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, कैराना से इकर हसन का नाम है, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से भी बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। इसके अलावा भी 2 और लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे, यानी कि 7 में से 5 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे। गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में एक और सीट मानी जा रही है अमरोहा, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी चाहती है कि अमरोहा से कुंवर दानिश अली, जो कि बहुजन समाज पार्टी से सांसद चुने गए थे जिन्हें हाल ही में बसपा ने निष्कासित कर दिया, कांग्रेस चाहती है कि कुंवर दानिश अली को अमरोहा से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव मैदान में उतारा जाए, और बताया जा रहा है कि इसके बदले अखिलेश जयंत चौधरी को राजस्थान में भरतपुर लोकसभा सीट ऑफर की जा रही थी। ऐसे में 7 में से सिर्फ 1 लोकसभा सीट ऐसी थी बागपत, जो हां राष्ट्रीय लोकदल का अपना ओरिजिनल कैंडिडेट यानी राष्ट्रीय लोकदल का ही नेता कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतारा जाता, यानी कि 7 लोकसभा सीटों में से 6 प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को अपने सिंबल पर लड़ाने पड़ते और रालोद के खाते में अपना एक मूल नेता ही बागपत लोकसभा चुनाव से चुनाव मैदान में उतारा जाता। शायद इसी वजह से गठबंधन में कड़वाहट आई और शायद इसी वजह से गठबंधन को तोड़कर अब जयंत चौधरी एक नया गठबंधन बुनने जा रहे हैं। पुष्ट खबरें तो कल तक होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जयंत चौधरी का यह गठबंधन फाइनल अभी नहीं हुआ है। कुछ सीटों को लेकर बताया जा रहा है कि पेंच अभी भी फंसा हुआ है। जो खबरें आ रही है उसके अनुसार जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने कैराना, बागपत, हाथरस और मथुरा 4 लोकसभा सीटें ऑफर की है, लेकिन बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी अपना दावा जता रहे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर ही जयंत चौधरी की बात अखिलेश यादव के साथ बिगड़ी हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाने को लेकर, और अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर भाजपा के साथ भी जयंत चौधरी का जो गठबंधन का पैच है वो कहा जा रहा है कि फंस सकता है। हालांकि 90% संभावनाएं यही जताई जा रही है। हमारी, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेताओं से बात हुई, सत्ता में बैठे नेताओं से भी बात हुई और राष्ट्रीय लोकदल के भी कई बड़े नेताओं से, विधायकों से हमारी बात हुई, लेकिन चूंकि ऑफिशियल तौर पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। कुछ नेताओं का कहना है आरएलडी की, अब भी अगर अखिलेश यादव सकारात्मक रूप से गठबंधन को लेकर चले और जयंत चौधरी को
उनके जो 7 लोकसभा सीटें हैं, कुछ 2 लोकसभा सीटें लोकदल मांग रहा है। अगर राष्ट्रीय लोकदल की लोकसभा सीटों की संख्या बढ़े, साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को पूर्ण अधिकार हो अपनी लोकसभा सीटों पर कि वो किसे चुनाव मैदान में और किसे नहीं, तो गठबंधन में बात अभी भी बन सकती है। ऐसे ही दूसरी तरफ एक पक्ष के लोगों का ये कहना है, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े नेताओं का, कि अब बात इस स्तर पर आ चुकी है भाजपा के साथ गठबंधन की कि जयंत चौधरी के लिए अब वापस लौटना मुश्किल होगा। और क्या पूरी तस्वीर बनती है ये अगले 24 घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। माना जा रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिल्ली में इस गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है।